हेलो वेलकम टू न्यू वीडियो आज के इस वीडियो हम लोग गुड़न खंड के महत्वपूर्ण प्रश्न करेंगे तो देखिए जो गुड़न खंड के आपके महत्वपूर्ण प्रश्न है कठिन प्रश्न है उनको मैं आज आपको आधा बताऊंगा इसके बाद जो और बचेंगे आपके गुड़न खंड के जो और कठिन प्रश्न होंगे उनको अगले वीडियो में बता जाएगा तो यहाँ पर ध्यान से सीखते हुए चलेगा थोड़ा थोड़ा करके सीखोगे तो अच्छे से समझ में चीजें आ जाएंगे यहाँ पर देखो यक्स का पावर टू प्लस फाइव यक्स प्लस सिक्स लिखा हुआ है अब यहाँ पर कठिन प्रश्न जिसको मैं अलग वीडियो में दूसरे समय बताऊंगा वो कैसा रहेगा वो आपका इस टाइप का, का प्रश्न लिख देता है जैसे सिक्स प्लस फाइव एक्स माइनस एक्स का पावर टू तो इस टाइप का जब दिया रहता है उसको कैसे साल किया जाएंगे और आपके पावर यहां पर भी लगा देता है इस टाइप का तो ऐसे प्रश्नों को अगले वीडियो में बताया जाएगा तो आज हम लोग क्या इस टाइप के सिर्फ प्रश्नों को सीखेंगे इसमें भी पांच प्रश्न लिए गए हैं तो आप ध्यान से समझिएगा सबसे पहले शुरुआत इस टाइप के प्रश्न होती है गुणनखंड से यदि x का पावर टू प्लस फाइव यक्स प्लस सिक्स दिया है और बोले कि गुणनखंड ज्ञात कीजिए तो आप कैसे ज्ञात करोगे? एक बात हमेशा ध्यान में रखना जब भी x के सामने कोई भी संख्या ना लिखी हो तो इस छ को हम इस प्रकार से तोड़ेंगे अगर प्लस का चिन्ह है तो जोड़ने पे कितना आना चाहिए पाँच आना चाहिए तो छ चा को हम लोग तोड़ते हैं अगर हम लोग तीन गुड़े दो करेंगे तीन दुना कितना होता है छ होता है अब यहाँ पर देखो फाइव यक्स लिखा हुआ है तो तीन को आप क्या कर लेना थ्री एक्स लिख देना और प्लस का चिन्ह बनाना दो को आप टू यक्स लिख देना हमने आपको क्या बताया अगर x के सामने कोई भी संख्या न लिखी हो तो छ को इस प्रकार से तोड़ना है अगर प्लस का चिन्ह है तो जोड़ने पे क्या आना चाहिए फाइव आ जाना चाहिए तो लेकिन ये फाइव यक्स लिखा है तो हम तीन को तीन एक लिख लेंगे दो को दो यक्स लिख लेंगे अब तीन यक्ष और दो यक्स जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा पाँच एक आ जाएगा अब जिस भी बालक को ये चीजें एक बार में ना समझ में आएंगी तो जब मैं अगला प्रश्न बताऊंगा आराम से समझ में आ जाएगा वैसे हमें पूरा आशा है पूरी उम्मीद भी है कि हर एक बच्चे को ये सारी चीजें समझ में आ गई होंगी अब इस चीज़ को देखिए हम लोग लिखते कैसे हैं जैसे यहाँ पर देखिए यक्स का पावर टू है तो हम यक्स का पावर टू इस तरह से लिखेंगे फाइव एक्स की जगह पर अब हम लोग क्या लिखेंगे थ्री एक्स प्लस टू एक तो हम लिखेंगे प्लस थ्री एक्स प्लस क्या लिखेंगे टू एक्स लिखेंगे थ्री एक्स प्लस टू एक जोड़ोगे तो पाँच एक आ जाएगा अब प्लस छा है तो हम लोग प्लस छा लिख लेंगे अब इस चीज़ को आप क्या कर सकते हो रफ कर सकते हो अब हम ये देखिए x का पावर टू प्लस थ्री एक्स प्लस टू एक्स प्लस सिक्स दिखाई दे रहा है अब हमें क्या करना है बराबर का चिन्ह लगाना है x का पावर टू प्लस थ्री एक्स में कॉमन खोजना है उसी तरह से टू एक्स प्लस सिक्स में कामन खोजना है तो कामन क्या होता है जो दोनों में पाया जाए वही चीज़ कामन होता है जैसे यक्ष का पावर टू यानी यक्ष यहाँ पर दो बार है यक्स यहाँ पर क्या है एक बार है तो यहाँ पर एक यक्स है यहाँ पर दो यक्ष है तो क्या कामन है एक ही यक्ष क्या है कामन है यहाँ पर हम क्या कर लेंगे यक्ष को कामन ले लेंगे जब यक्स को कामन ले लोगे तो यक्ष से इसमें भाग दोगे तो इसका एक यक्ष कट जाएगा तो एक ही यक्ष बचेगा यक्ष से थ्री एक्स में दोगे तो यक्स कट जाएगा तो प्लस थ्री बचेगा तो प्लस थ्री इस तरह से लिख लेना अब ब्रैकेट बंद कर दो अब टू एक प्लस सिक्स में कामन खोजना है टू यस प्लस सिक्स में कॉमन क्या है यहां पर देखो दो जो है दो को भी काट देगा दो छह को भी काट देगा तो दो क्या हो जाएगा कॉमन हो जाएगा ऐसी वह बड़ी संख्या जो दो को भी काट दे को भी काट दे वही क्या हो जाएगी कॉमन हो जाएगी तो यहां पर प्लस का चिन्ह है तो प्लस का चिन्ह उतार लेना और दो आपका कॉमन बन जाएगा तो दो से दो कटेगा बचेगा कितना यक्स बचेगा दो से छ को काटेंगे दो तिया कितना हो जाएगा छ हो जाएगा अब आप ब्रैकेट बंद कर लो अब अगर आप ध्यान दो इस ब्रैकेट में एक प्लस थ्री है इसमें भी एक प्लस थ्री है तो हम क्या करेंगे यक्स प्लस थ्री को कॉमन ले लेंगे जब यक्स प्लस थ्री को कॉमन ले लोगे तो ये खत्म हो जाएगा बचेगा यहाँ पर क्या यक्स बचेगा यक्स प्लस थ्री से यक्स प्लस थ्री खत्म हो जाएगा प्लस दो बचेगा तो प्लस दो लिख लेंगे यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा तो ऐसा सवाल जब आपके सम्मुख आएगा यानी आपके सामने आएगा तो आप उनको इसी तरह से क्या कर लेना आराम से सॉल्व कर लेना अब मैं अगला प्रश्न कराने जा रहा हूं वो थोड़ा क्या होगा अलग हुआ अब यहां पर प्लस था यहां पर अब माइनस आ चुका है तो ऐसे प्रश्न कैसे सॉल्व किए जाए ये भी क्या है इजी है इजी बस थोड़ा सा ध्यान देना है अगर प्रश्नों में प्लस प्लस रहता है तो कोई दिक्कत नहीं होती है अगर माइनस आ जाए तो आपको थोड़ा उसको आराम से ध्यान पूर्वक सॉल्व करना है अगर आप ऐसा नहीं करोगे तो गलत हो जाएगा यहां पर देखो क्या होगा यहाँ पर यक्स के सामने कोई भी संख्या नहीं है जब यक्स के सामने कोई भी संख्या न लिखी हो तो हमें क्या करना है लास्ट में जो संख्या है यानी तीस तीस को इस प्रकार से तोड़ना है अगर प्लस का चिन्ह है तो जोड़ने पे ग्यारह आना चाहिए ये माइनस ग्यारह एक है लेकिन आप इसे भूल जाइए आपको मैं जो बता रहा हूँ इस चीज को सुनो अगर यक्स के सामने कोई भी संख्या नहीं है तो तीस को इस प्रकार से तोड़ना है अगर प्लस का चिन्ह है तो जोड़ने पे ग्यारह आना चाहिए अब तीस को तोड़ते हैं छ गुणे पांच करेंगे छप पंचे कितना हो जाएगा तीस हो जाएगा लेकिन यहां पर देखो माइनस ग्यारह यक्स लिखा है तो माइनस ग्यारह लिखा है तो आपको करना क्या है अगर हम छ को क्या लिख दें छह को माइनस सिक्स एक लिख दें और पाँच को माइनस फाइव यक्स लिख दें तो यहां पर देखो बोला था कि तीस को इस प्रकार से तोड़ना है कि जोड़ने पर कितना चाहिए ग्यारह आना चाहिए तो हमें क्या करना है जोड़ना है तो यहां पर जोड़ेंगे तो यारह एक्स आना चाहिए लेकिन यहां पर माइनस लिखा है थोड़ा बात को ध्यान देना और ध्यान से समझना यहां पर देखो माइनस सिक्स जुड़ेगा माइनस और माइनस प्लस होता है तो माइनस फाइव जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा और जोड़ोगे तो कितना ग्यारह एक्स आ जाएगा जब दोनों चिन्ह माइनस के हो तो यहां पर माइनस का ही चिन्ह लगेगा तो अब आपके दिमाग में आ गया होगा कि मैं क्या समझाना चाह रहा था अब यहां पर ध्यान देना हम क्या लिखेंगे x का पावर टू है तो x का पावर टू लिखेंगे माइनस ग्यारह एक्स की यहाँ पर क्या लिखेंगे ये जो चीज़ आया है यहाँ पर माइनस क्या लिखेंगे सिक्स एक्स लिखेंगे और माइनस फाइव एक्स लिखेंगे अब माइनस सिक्स एक्स और माइनस फाइव जुड़ेगा तो कितना हो जाएगा माइनस ग्यारह एक्स हो जाएगा अब प्लस तीस है तो यहाँ पर हम लोग प्लस तीस इस तरह से लिख लेंगे बाकी चीज़ें अब आप रफ कर देना अब आपको करना क्या है यक्स का पावर टू माइनस सिक्स में कॉमन खोजना है और माइनस फाइव प्लस तीस में काम खोजना है तो कॉमन क्या होता है जो दोनों में पाया जाए वही क्या होगा कामन होगा बातें समझ में आ गई अब यहाँ पर देखो यक्स यहाँ पर दो बार है यहाँ पर एक बार है तो हम क्या करेंगे एक यक्स कामन लेंगे अच्छा दो यक्स कामन क्यों नहीं ले लेते तो दो अगर कामन ले लोगे तो यहाँ पर तो दो यक्स है लेकिन यहाँ पर एक ही यक्ष है ना तो दो यक्स कहा से कॉमन होगा अगर आप एक यक्ष कामन लोगे तो वो कॉमन हो जाएगा क्यों क्योंकि एक यक्ष इसमें है और इसमें तो दो यक्ष कोई दिक्कत नहीं है तो एक यक्ष इसका कमन हो जाएगा और दो यक्ष से को तो कोई दिक्कत नहीं उसमें से एक यक्ष कामन हो जाएगा बातें समझ में आ रही है कि नहीं और जिसको ये चीजें जो मैं बताता हूँ अगर एक बार में ना समझ में आ करे वीडियो को थोड़ा पीछे करा करो फिर उसको समझो कि मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ समझ में आ जाएगा एक बार में कोई चीज़ नहीं समझ आता है अगर इसी सवाल को आप पाँच छः बार लगा लोगे ना जो मैं वीडियो में बोल रहा हूं उसको पांच छह बार अगर रिपीट करके सुन लोगे तो समझ में आ जाएगा कि क्या समझाना चाह चाहें और खुद से भी उसको लगाना पड़ेगा खुद से चलिए अब यहाँ पर देखो हमने यक्ष को कॉमन ले लिया तो से एक कटेगा तो यक्ष बचेगा यक्ष से यक्ष पूरी तरह से कटेगा तो माइनस कितना बच जाएगा छह बज जाएगा अब यहाँ पर माइनस फाइव है और प्लस तीस है इसमें कॉमन क्या है इसमें पांच जो है पांच को भी काट देगा और तीस को भी काट देगा तो पांच कॉमन हो जाएगा तो माइनस का चिन्ह है तो माइनस का चिन्ह लगाओ अब क्या कामन बन रहा था पांच तो पांच को कामन ले लो पांच से पांच कट जाएगा अब माइनस और माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा तो यहां पर पांच से पांच कटेगा तो सिर्फ यक्स बचेगा और यक्स क्या होगा प्लस में रहेगा क्यों क्योंकि माइनस और माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा अब यहां पर देखो बच्चे यहीं पर गलती करते हैं यही सारी चीजें अब अगर कुछ बच्चा होता है यहाँ पर पाँच से पांच काट देता माइनस एक्स लिख देता प्लस तीस था तो प्लस पांच क्या काट देता तीस ये गलत हो जाता पूरी तरह से आपको ध्यान देना है फिर से मैं बता रहा हूं माइनस का चिन्ह था माइनस लगाया इन दोनों में कामन पांच मिला पांच लगा ब्रैकेट लगाओ माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा पांच से पांच कट जाएगा तो बचेगा ये यक्स प्लस में रहेगा अब माइनस से प्लस में भाग दोगे यानी तीस में तो माइनस और प्लस क्या होगा माइनस होगा पांच से तीस काटोगे पांच तीस हो जाएगा अब ये आपका सही है अब इस ब्रैकेट में भी माइनस सिक्स है इसमें भी एक माइनस सिक्स है मान लो आप ऐसा सवाल सॉल्व किए जिसमें ये प्लस में आ गया तो ये यक्स माइनस सिक्स है ये यक्स प्लस सिक्स है जब भी ऐसा कंडीशन दिखे तो आप वहीं पर रुक जाना समझ लेना कि आप गलत सॉल्व कर रहे हो यानी जो इस ब्रैकेट में हो वही इस ब्रैकेट में भी हो तभी समझना कि आपका सवाल क्या है सही साल हो रहा है ये अब देखिए सही है अब यक्स माइनस सिक्स को हम क्या कर लेंगे यक्ष माइनस सिक्स को कामन ले लेंगे तो जब इसको कामन ले लोगे तो ये पूरी तरह से कटेगा यक्स यहाँ पर बचेगा ये भी पूरी तरह से कटेगा माइनस फाइव बचेगा तो माइनस फाइव लिख लो यही आपका प्यारा सा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा तो ऐसे सवालों में बच्चे अधिकतर गलतियां करते हैं तो आप लोग थोड़ा ध्यान देकर ऐसे प्रश्नों को सॉल्व करना चलिए बढ़ते हैं अब अपने अगले प्रश्न की तरफ जिसमें आपको थोड़ा सा और परिवर्तन दिखाई देगा क्या परिवर्तन है यक्ष के सामने कोई संख्या लिखी हुई है जब ऐसा कंडीशन रहेगा तो कैसे सॉल्व करोगे यहां पर देखो यक्ष के सामने कोई संख्या लिखी है जैसे चार है तो आपको करना क्या है इस चार का क्या कर लेना आपको गूढ़ा कर लेना है जब भी यक्ष के सामने कोई संख्या रहेगा तो उस संख्या का गुणा लास्ट वाले में आप कर लेना तो चार का गुणा पांच में करोगे चार पंचे कितना हो जाएगा बीस हो जाएगा अब बीस को इस प्रकार से तोड़ना है अगर प्लस का चिन्ह है तो जोड़ने पर बारह आना चाहिए तो हम लोग इसको तोड़ लेते हैं अगर दस गुड़े दो करोगे तो दस दुना कितना हो जाएगा बीस हो जाएगा और दस और दो को जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा दस दो कितना हो जाएगा बारह हो जाएगा लेकिन ये बारह एक लिखा है तो हम लोग दस को दस एक लिख देंगे और दो को क्या लिख देंगे टू एक लिख देंगे और टेन और टू एक जोड़ोगे तो बारह एक्स हो जाएगा अब सवाल को सॉल्व करते हैं फोर का पावर टू है तो फोर एक्स का पावर टू लिखेंगे बारह एक्स की जगह पर हम लोग लिखेंगे टेन एक्स प्लस टू एक्स तो यहाँ पर प्लस टेन एक्स प्लस हम लिखेंगे टू एक लिखेंगे अब प्लस पाँच है तो आगे प्लस पाँच लिख देंगे अब इनको आप आराम से रफ कर देना अब आपको करना क्या है फोर एक्स का पावर टू प्लस टेन एक्स और टू एक्स प्लस फाइव में कॉमन खोजना है कॉमन क्या होता है जो दोनों में पाया जाए वही चीज क्या होता है कॉमन होता है यहाँ पर हम अगला स्टेप करेंगे इन दोनों में कॉमन क्या है चार देखिए चार को काट देगा लेकिन दस को नहीं काट पाएगा तो दो ऐसी संख्या है यानी दो दो जो है चार को भी काट देगा दस को भी काट काट देगा तो दो कॉमन हो जाएगा यक्स यहाँ पर दो बार है यहाँ पर एक बार है तो यक्स कॉमन हो जाएगा तो दो से चार को काटेंगे दो दूना चार हो जाएगा यक्ष से इसका एक यक्ष कटेगा तो यक्ष बचेगा दो से दस को काटेंगे दो पंचे कितना हो जाएगा दस हो जाएगा यक्ष से यक्स कट जाएगा तो ब्रैकेट बंद कर देंगे इसमें कामन क्या है इसमें कामन आपको कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है तो जहां पर कामन कुछ भी ना दिखाई दे तो जो भी यहां पर चिन्ह रहेगा उसको यहां पर लिख लेना और एक कामन ले लेना जहां पर आपको कामन कुछ भी ना दिखाई दे वहां पर कामन एक आप ले लेना ये यहां पर जो भी चिन्ह रहेगा उसको उतार के अब जब आपने एक कामन ले लिया है तो एक से इसमें भाग दोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा तो यहां पर कितना हो टू एक्स प्लस कितना हो जाएगा फाइव हो जाएगा ब्रैकेट बंद कर लेना अब देखो इसमें भी टू एक्स प्लस फाइव है इसमें भी टू एक्स प्लस फाइव है तो आपको करना क्या है टू एक्स प्लस फाइव को कॉमन ले लेना है जब इसको कॉमन ले लोगे तो ये क्या हो जाएगा कट जाएगा बचेगा यहाँ पर कितना टू एक्स बच जाएगा टू एक्स प्लस फाइव से इसमें भाग दोगे तो ये भी पूरी तरह से कटेगा प्लस वन बचेगा यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा तो जब भी इस तरह के सवाल आएंगे तो आप हमेशा इसी तरह से करना उम्मीद है आप सभी लोगों को अच्छे तरीके से समझ में आ रहा होगा क्योंकि मैं हर एक प्रश्न को अलग अलग टाइप में लेके यहाँ पर रखा हूँ जिससे आप चीजों को समझ सको अगर ये प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा इस पे आधारित पाँच छह प्रश्न पूछेगा तो आप आराम से कर लो तक मैंने आपको तीन प्रश्न कराए हैं अभी दो प्रश्न और बचे हैं उसमें देखिए क्या परिवर्तन है अब इसमें देखिए पूरी तरह से प्रश्न चेंज है इसमें क्या है यक्स का पावर टू माइनस एक्स वाई माइनस बहत्तर वाई का पावर टू है अब इसमें आपको दो पावर दिखाई दे रहा है ऐसे भी सवाल मैं अगले वाले वीडियो में बताऊंगा वो थोड़े और ख़तरनाक रहेंगे तो आज पहले आप इतना सीखिए इसके बाद उन सभी को आराम से आप सीख पाओगे क्योंकि जब तक आप बेसिक नहीं सीख पाओगे तो तब तक आप कठिन कहाँ सीख पाओगे चलिए अब इस प्रश्न को लगाते हैं इस प्रश्न में कुछ है नहीं इस प्रश्न में देखो यक्ष के सामने कोई भी संख्या नहीं है तो आपको क्या करना है ये जो बहत्तर लिखा हुआ है बहत्तर को आपको इस प्रकार से तोड़ना है बहत्तर को आपको इस प्रकार से तोड़ना है अगर माइनस का चिन्ह है तो यक्ष के सामने कोई भी संख्या नहीं है तो समझ लेना क्या है एक है बातें समझ में आ गई तो बहत्तर को इस प्रकार से तोड़ना है अगर माइनस का चिन्ह है तो घटाने पे कितना आना चाहिए एक आना चाहिए अब जैसे हम लोग तोड़ते हैं बहत्तर को तोड़ते हैं तो कैसे तोड़ोगे नौ अठ कितना होता है नौ अठ कितना होता है बहत्तर होता है तो अगर हम लोग इसको तोड़ेंगे नौ गुणे आठ करेंगे तो नौ आठ बहत्तर हो जाएगा हमने क्या बोला था बहत्तर को इस प्रकार से तोड़ना है अगर माइनस के चिन्ह है तो घटाने पे कितना आना चाहिए एक आना चाहिए लेकिन यहाँ पर लिखा क्या गया है यहाँ पर लिखा है माइनस वन यक्स वाई चाहे तो इसे आप माइनस यक्स वाई भी लिख सकते हो जैसे पहले लिखा था तो आपको क्या लाना है माइनस यक्स माइनस वन वाई लाना है तो देखिए अगर हम नौ को क्या कर दें नौ को क्या कर दें माइनस नाइन वाई लिख दें और आठ को क्या कर दें प्लस कितना लिख दें एट वाई लिख दें तो अगर आप माइनस नाइन एक्स वाई में से आठ एक्स वाई घटाओगे क्योंकि यहां बोला था घटाने पे तो हमारा कितना आ जाएगा माइनस नाइन एक्स वाई में से आठ एक्स वाई घटाओगे तो हमारा माइनस नौ में से आठ गया कितना आ जाएगा एक तो माइनस हमारा कितना आ जाएगा वन एक वाई आ जाएगा तो इसी चीज़ को आप इस तरह से भी लिख सकते हो माइनस आपका यक्स वाई अगर आप यक्स के सामने कोई भी संख्या नहीं है तो एक लिख सकते हैं अगर आप समझदार अब हो गए हैं तो उसको लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है अब हम क्या करते हैं सवाल को आपको अच्छे से बताते हैं यहाँ पर देखो एक्स का पावर टू है तो एक्स का पावर टू लिखेंगे अब इसको मैं एक को क्या कर देता हूँ हटा देता हूँ क्योंकि अब आप सभी लोगों को समझ में आ गया है तो यहाँ पर क्या था यहाँ पर माइनस था माइनस एक्स वाई लिखा हुआ है तो माइनस एक्स वाई की जगह पर हम लोग क्या लिखेंगे माइनस नाइन एक्स वाई माइनस नाइन एक्स वाई और आगे हमारा क्या है प्लस एट एक्स वाई अब माइनस नाइन एक्स वाई प्लस एट एक्स वाई घटेगा तो कितना आएगा माइनस एक्स वाई आएगा आगे क्या है माइनस बहत्तर वाई का पावर टू है अब इन सारी चीजों को रफ कर देता हूँ अब आपको करना क्या है इसमें कामन लेना है और इसमें कामन खोजना है तो कामन इनमें क्या है यक्स यहाँ पर दो बार है एक बार है तो यक्स क्या हो जाएगा कॉमन हो जाएगा बाकी कोई भी चीज़ कॉमन नहीं मिलेगा यहाँ से यक्स से एक यक्स कटेगा तो यक्स बचेगा यक्स से यक्स पूरी तरह से कटेगा तो माइनस नाइन वाई बचेगा अब वही चीज यहाँ पर देखो प्लस का चिन्ह है तो प्लस का चिन्ह लगाओ आठ जो है आठ को भी काट देगा और बहत्तर को भी काट देगा तो आठ कामन हो जाएगा वाई यहाँ पर भी है वाई यहाँ पर भी है तो एक वाई कामन हो जाएगा तो आठ से आठ कट जाएगा वाई से क्या हो जाएगा वाई कट जाएगा तो यहाँ पर बचेगा यक्स बचेगा आठ से बहत्तर को काटेंगे आठ नवा कितना होता है बहत्तर वाई से एक वाई कटेगा तो यहाँ पर वाई बचेगा अब देखो इस ब्रैकेट में एक माइनस नाइन वाई है इसमें भी एक माइनस नाइन वाई है हम क्या करेंगे यक्स माइनस नाइन वाई को कामन ले लेंगे जब इसको कामन ले लोगे तो ये पूरी तरह से कटेगा बचेगा यहाँ पर एक अब एक माइनस नाइन वाई से एक माइनस नाइन वाई पूरी तरह से कटेगा बचेगा प्लस कितना आठ वाई यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा ये प्रश्न समझ कर आपको काफी ज्यादा मजा आया होगा अब इसी पे आधारित कठिन प्रश्न जो रहेगा उसको अगले वीडियो में जरूर बताया जाएगा चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ और यही हमारा आखिरी प्रश्न है यानी लास्ट प्रश्न इस प्रश्न को अच्छे से सीखना चाहिए पूरे जोश और उत्साह के साथ चलिए प्रश्न वो हम क्या करते हैं लगाते हैं प्रश्न क्या कह रहा है कि टू एक्स का पावर टू माइनस तेरह एक्स वाई प्लस पंद्रह वाई का पावर टू है इसका क्या कर लो भाई साहब गुड़न खंड कर लो तो हम लोग कैसे करेंगे हमको आ गया तो हम कर लेंगे क्यों तो यहाँ पर देखो क्या है टू एक्स का पावर टू है टू एक्स का पावर टू है तो हम जब एक के सामने कोई भी संख्या है तो इस संख्या का गुणा हम क्या कर लेंगे इसमें पंद्रह में कर लेंगे पंद्रह दूना कितना हो जाएगा तीस हो जाएगा और तीस को इस प्रकार से तोड़ना है अगर प्लस का चिन्ह है तो जोड़ने पे कितना आना चाहिए तेरह तेरह आना चाहिए तो हम लोग तोड़ते हैं तीस को अगर आप दस बुढ़े तीन करोगे तो दस कितना हो जाएगा तीस लेकिन क्या बोला है कि जोड़ने पे तेरह आना चाहिए लेकिन यहाँ पर माइनस तेरह एक वाई लिखा है तो हमको दिमाग लगाना पड़ेगा तो दस को हम क्या लिख देंगे माइनस दस यक्स क्या है एक वाई है तो यक्स वाई लिख देंगे और जो तीन है उसको माइनस थ्री एक्स वाई लिख देंगे अब आप माइनस टेन एक्स वाई और माइनस तीन एक्स वाई क्या होगा जुड़ेगा क्योंकि माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा

माइनस थ्री एक्स वाई लिखेंगे आगे हमारा प्लस कितना है पंद्रह वाई का पावर टू तो पंद्रह वाई का पावर टू लिखेंगे अब बाकी सारी चीजों को रफ कर देंगे इसमें कामन क्या है भाई साहब देख लेते हैं क्या कॉमन है तो जो चीजें कॉमन है क्या है दो कामन हो जाएगा इसमें यक्स आपको कामन हो जाएगा तो दो से दो कट जाएगा यक्स से एक यक्स कटेगा यक यक तो एक यक्स बचेगा दो से दस को काटेंगे दो पंचे दस हो जाएगा यक्स से यक्स कटेगा हमारा वाई हो जाएगा अब यहाँ पर कामन क्या है यहां पर कामन क्या है माइनस का चिन्ह है तो माइनस का चिन्ह लगाओ तीन आपको कामन मिल जाएगा यहाँ पर वाई आपको कामन मिल जाएगा तीन से तीन कट जाएगा और वाई से वाई कट जाएगा अब माइनस और माइनस तो क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा तो यहाँ पर यक्स बचेगा माइनस और प्लस क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा तीन से पंद्रह को काटेंगे तीन पचे पंद्रह हो जाएगा वाई से एक वाई घटेगा यानी एक वाई कटेगा तो एक वाई बचेगा अब यहाँ पर देखो इसमें भी एक माइनस फाइव वाई है इसमें भी एक माइनस फाइव वाई है हम क्या कर लेंगे X -5Y को कॉमन ले लेंगे जब इसको कॉमन ले लोगे तो ये पूरी तरह से कटेगा बचेगा कितना टू यक्स बचेगा ये भी पूरी तरह से कटेगा बचेगा माइनस थ्री वाई बचेगा यही आपका फाइनली क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा तो आशा करता हूँ मेरे द्वारा बताया गया तरीका आपको अच्छे से जरूर समझ में आया होगा तो मैंने पाँच प्रश्न आपको कराए और आप पाँचों अलग अलग प्रकार के थे उम्मीद है आपको अच्छे तरीके से समझ में आया होगा तो देखिए मेरे पढ़ाने के बाद आपको करना क्या है जितना भी प्रश्न मैं कराया हूं उसको कापी पर उतार कर खुद से करिएगा खुद से करिएगा समझ रहे हो कि नहीं जिससे आपको अच्छे से समझ में आ सके और वैसे जब मैं पढ़ाता हूं तो थोड़ा रफ कापी लिखा करिएगा जिससे आप अच्छे से चीजों को समझ सको रिविजन आप करते रहो जिससे पुरानी चीजें ना तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में किसी और ऊर्जा और उत्साह के साथ वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास वीडियो पहुँची जा सके मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में थैंक्स फॉर वॉचिंग